नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भारती स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो दोस्तों, अभी के समय में फ्लू, सर्दी, बुखार ये बहुत ज़्यादा देखने के लिए लोगों में मिल रहा है, चाहे वो वायरल फीवर हो, कोविड हो, या फिर आप अगर किसी धूल मिट्टी जर्म्स के कांटेक्ट में आ गए हैं जिसकी वजह से आपके बॉडी में जर्म्स एंटर हो जाते हैं, या फिर मौसमी अगर बुखार हो इसकी मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा अभी के समय में देखने के लिए मिल रहा है। और इससे बचने के लिए हमें किन किन उपायों की ज़रूरत है, क्या क्या हमें अपनी लाइफ में चेंजेस करने चाहिए, साथ ही किन घरेलू नुस्खों के साथ में आप फ्लू से, बुखार से बच सकते हैं, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सर्दी जुकाम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फ्लूड्स, यानी कि अगर आप गर्म तरल पदार्थ अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो आप फ्लू से बहुत आसानी से बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ घरेलू रेमेडीज़ होती हैं जो आपको आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और उसका सेवन करके आप फ्लू से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो रेमेडीज़ क्या हैं। दोस्तों, इस रेमेडी में सबसे पहले है प्याज और लहसुन का मीठा रोने का। अगर इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो आपको ज़रूरत है प्याज की, लहसुन की और शहद की। आप जो प्याज होता है इसे कद्दूकस कर लीजिए, मतलब कस लीजिए इसे, और उसके बाद में जो लहसुन होती है उसको थोड़ा बारीक, 2-3 लहसुन की कलियों को बारीक पीस लीजिए। उसके साथ में इसमें 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद उसमें मिलाना है, और इसको जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें आप इसको रहने दीजिए, पानी में मिला करके, गुनगुने पानी में मिला करके उसको 10 से 15 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर लेने की मैं बात करूँ तो जो बड़े लोग हैं वो दिन में 2 से 3 बार इसको 2-3 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बच्चों की बात करूँ तो आपको 1 ही चम्मच इनको दिन में 1 बार देना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है दालचीनी और अदरक का पानी। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है 1 स्टिक जो छोटी वाली होती है दालचीनी की, अदरक की, आधा चम्मच हल्दी जो होता है उसकी, और आधा चम्मच जो नींबू का रस होता है इसकी। इसको बनाने की विधि मैं अगर बोलूँ तो आप पहले आधा ग्लास पानी को अच्छा उबाल लीजिए 2 से 3 मिनट, फिर आप इसमें जो दालचीनी की स्टिक होती है उसे डाल दीजिए, जो हल्दी है उसे डाल दीजिए, अदरक को आप कद्दूकस करके डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको आपको 10 से 15 मिनट तक उबालना है और उसमें नींबू का रस साथ में डाल देना है। अब बात करें कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। तो ये जो मिश्रण है, ये जो जो ड्रिंक हमने बनाया है, इसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है या फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपको फ्लू हुआ है, तो उन दोनों से बचाने में आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको इसके कम से कम 2 से 3 बार आप दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों को ये 1 ही बार आपको दिन भर में 1 बार देना है दोस्तों। इसके बाद है शहद और अदरक की चाय। दोस्तों, जो अदरक होता है इसमें एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं। तो अगर आपको सीने में दर्द है, हो रहा है, आपके बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया है, तो उससे बचाने में अदरक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, शहद और अदरक की चाय बनाने के लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा होता है उसकी, और 1 से 1.5 चम्मच शहद की। इसको बनाने के लिए आपको पानी को गर्म होने रख देना है और 2 से 3 मिनट तक उसे गर्म करना है। उसके बाद में आपको कम से कम जो अदरक का टुकड़ा है उसको आपको कद्दूकस करके उसमें डाल देना है, 2 मिनट तक उसे पकाना है। फिर उसको जो नॉर्मल जितना आप पी सके उस टेम्परेचर पे करके आप उसमें शहद मिला दीजिए, जितना 1 से 1.5 चम्मच आपको जितना शहद ज़रूरी लग रहा है वो मिला दें, और छान करके आप इसको पी लीजिए। दोस्तों, इस चाय को आप अगर ज़ुकाम आपको हुआ है तो दिन में 2 से 3 बार इसका उपयोग ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो भी आप कम से कम 1 बार इसका उपयोग ज़रूर कीजिए, ताकि आप फ्लू होने से, जो वायरल ज़ुकाम है वो होने से आपको ये बचा सके। इसके साथ ही अगर आपको जुकाम, बुखार, सर्दी, खांसी, सीने में दर्द ऐसी समस्या हो रही है तो आप कम से कम दिन में 1 बार शहद का सेवन करें, जो गुनगुना पानी होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, ठंडी जगह जाने से या ठंडी चीज़ें पीने से आप बचिए, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा अगर सर्दी जुकाम के साथ में आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, सर दर्द आपको लग रहा है और हाई ग्रेड टेम्परेचर आ रहा है, तो इन घरेलू उपायों के साथ ही आपको अपने डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के शुरुआती लक्षण ऐसे ही हैं।
अभी के समय में जो वायरल फीवर है और जो कोविड है उसके सिम्टम्स पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आपको बुखार आता है तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से मिलिए, प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सामूहिक स्थान पर जाने से बचिए और दोस्तों समय समय पर अपने हाथ धोइए। ये सारे प्रिकॉशन आपको किसी गंभीर समस्या में जाने से बचा सकते हैं। साथ ही घर पर रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।